तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के स्टूडियो में दोस्तों बात करने वाले कि आप लोग इंस्टाग्राम से किसी का यहाँ पे लोकेशन कैसे निकाल सकते हैं 2025 में। इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाले। काफ़ी बार क्या होता है कि आप लोग किसी से यहाँ पे इंस्टाग्राम से चैट करते हैं, काफ़ी दिन से चैट करते हैं, और उसका आप लोग लोकेशन मांगते हैं लेकिन वो अपना लोकेशन यहाँ पे नहीं बताते। तो आप लोग उसका लोकेशन खुद से निकाल सकते हैं और उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप लोग इसका मिस यूज मत करिएगा, मैं एजुकेशन पर्पज के लिए और नहीं आपको बता रहा हूँ, तो इसका आप लोग गलत यूज़ मत करिएगा। तो चलिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जिसका भी आप लोग यहाँ पे लोकेशन निकालना चाह रहे हैं उसका लोकेशन यहाँ पे निकाल सकते, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, किसी का भी लोग निकाल सकते। तो चलिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ऐप्स ओपन कर लेना होगा। इंस्टाग्राम ऐप्स ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका ऑप्शन फीचर दिख रहा है, तो यहाँ पे सर्च बॉक्स का ऑप्शन एक बना हुआ दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक कर लेना होगा। सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन डालना है, जिस भी लोकेशन का आप लोग का, जिस भी यहाँ पे सिटी का यहाँ पे डालना चाह रहे हैं, जिस भी सिटी का यहाँ पे लोकेशन निकालना चाह रहे हैं उसका यहाँ पे सिटी का नाम लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मुंबई। कहीं का भी आप लोग निकाल सकते हैं, उसका मतलब नहीं जहाँ है आप लोग सोचें जहाँ रहेंगे वहीं का निकाल पाएंगे, जहाँ रहेंगे वहाँ का भी निकाल सकते हैं और जहाँ नहीं है वहाँ का भी आप लोग निकाल सकते हैं। उसको यहाँ पे मुंबई सिटी, उसके बाद मुंबई सिटी, मुंबई यहाँ पे दिख रहा है तो मुंबई यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। कुछ देर वेट करना पड़ेगा, वेट करने के बाद उसको यहाँ पे सारा यहाँ पे जो भी यहाँ पे रील वगैरह रहेगा, जो भी पोस्ट वगैरह रहेगा सारा यहाँ पे दिख जाएगा। उसको यहाँ पे अकाउंट, उसके बाद आईडी, उसके बाद टैग, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा है प्लेस का, तो प्लेस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद जितने भी मुंबई का लोकेशन रहेगा सारा मुंबई का लोकेशन आपको शो हो जाएगा। जिस भी लोकेशन का आप लोग निकालना चाह रहे हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं मुंबई, उसके बाद यहाँ पे थाने, उसके बाद मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम, तो यहाँ पे मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम जो दिख रहा है नवी मुंबई, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद जितना भी यहाँ पे अकाउंट रहेगा, चाहे वो गर्ल का हो या फिर बॉय का हो, सारा अकाउंट आपको शो हो जाएगा। शो होने के बाद धीरे से आप लोग को उसका पोस्ट वगैरह यहाँ पे स्टोरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हमें धीरे से इसको ऐसे स्क्रॉल कर देना नीचे, उसके बाद यहाँ पे सारा अकाउंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, जिसका भी यहाँ पे लोकेशन निकालना चाह रहे हैं बढ़िया आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाने के लिए कर दे रहा हूँ, जैसे इसका यहाँ पे निकालना चाहो तो इस पर टैप कर लेते हैं। टैप करने के बाद यहाँ पे उसका यहाँ पे सारा पोस्ट सारा चीज़ यहाँ पे दिख जाए, 5 फुट रेस्टोरेंट, तो जो रेस्टोरेंट का लगाया रहेगा उसका रेस्टोरेंट का यहाँ पे लोकेशन दी जाए, जो अपना लगाया रहेगा वो अपना निकल, इसका उसका पर्सनल, उसको यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा है उसका रेलवे स्टेशन। उसके बाद उसके उसके यहाँ पे प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। गणेश सॉलिड दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, फिर से इस पर क्लिक करेंगे, उसको ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसको यहाँ पे डेस्टिनेशन का ऑप्शन दिया, तो डेस्टिनेशन वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना होगा। लेकिन आप लोग इसका मिस यूज मत करिएगा, मैं एजुकेशन पर्पस के लिए ओनली बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डेस्टिनेशन दिख रहा है, तो डेस्टिनेशन वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। उसमें आप कोई सा भी एक लोकेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फाइंड बेस्ट रोड, जो भी बेस्ट रोड रहेगा वो ढूंढ के दे देगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे जाना है, यहाँ पे लोकेशन आपको निकाल दिया है। उसके बाद कैसे कैसे जाना है, यहाँ पे लोकेशन के जरिए आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप लोग प्रीव्यू में देख सकते हैं कैसे कैसे यहाँ पे जाना है, कैसे कैसे क्या करना है, सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं लोकेशन, उसके बाद यहाँ पे लोकेशन लगा के अपने हिसाब से यहाँ पे जा भी सकते हैं। जैसे मैं एक लोकेशन आपको और दिखा दे रहा हूँ किसी और गर्ल के, जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलन बिजनेस पार्क,
कुछ देर वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद दो बार आपको टैप करना है, एक बार और टैप कर लेना है जब से उसका प्रोफाइल दिखे ना। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है उसको, यहाँ पे उसके प्रोफाइल पे आपको लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे दिख रहा है लोकेशन, उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद उसका लोकेशन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे TTR इंडस्ट्रियल एरिया, उसका डिस्टिनेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। डिस्टिनेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैक हो जाना है। बैक होने के बाद डिस्टिनेशन वाला ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कोई भी सा भी लोकेशन आपको यहाँ पे चूज करना है। जैसे योर लोकेशन का ऑप्शन दिया तो योर लोकेशन वाला जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फाइंड योर बेस्ट रोड, उसके बाद पर रोड ढूंढ के दे देगा। उसके बाद स्टार्ट स्टार्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं 1462 किलोमीटर यहाँ से है। उसके बाद यहाँ पे बाइक से जाएंगे इतना लगेगा, कार से जाएंगे इतना लगेगा। उसके बाद यहाँ पे एक दिन इसको यहाँ पे कैसे कैसे जाना है सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग मैप लगा के उसके पास जा सकते हैं। उसके बाद कितना टोल पड़ेगा, कितना स्कूल पड़ेगा, कितना क्या चीज़ पड़ेगा, सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम से किसी का भी लोकेशन निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल ऑफ सेक्शन क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलने वाला है। और वीडियो को उन सारे लोग के पास शेयर कर दें जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। और वीडियो में कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता चल सके आप लोग कौन सा वीडियो देखना पसंद करते हैं और कौन सा वीडियो में क्या कमी है, क्या उसको सही किया जाए, तब भी जाकर हमें पता चलेगा और उसको और भी अच्छा बनाने की कोशिश करने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।